बिहार में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। जिसने भी कानून के राज को चुनौती दी है उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, 3 एफआईआर हुई है, 44 गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे लोग जो कानून को तोड़ते हैं, प्रशासनिक महकमे पर हमला करते हैं, उनको औकात में ला दिया जाएगा। एक बात हम सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जोया अब्बास। बिहार में बालू माफियाओं का दिन पे दिन मन बढ़ता ही जा रहा है। बता दें आपको कि बीते दिनों पटना के बिहटा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में अधिकारियों के साथ बालू माफिया ऐसा कर रहे हैं। बताते चले आपको कि बीते दिनों जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर से देखने को मिला है कि बालू माफिया जो हैं जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। साफ तस्वीरें निकलकर सामने आई, हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आप जब देखेंगे उन तस्वीरों को तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अधिकारियों के साथ बालू माफियाओं ने ऐसा किया, महिला पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। जिसके बाद अब बिहार की सियासत जो है वो तेज हो गई है। वहीं अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बता दें आपको कि जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में नो क्राइम की नीति है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार में इस वक्त सियासत काफ़ी तेज है। वहीं जेडीयू के तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में नो क्राइम की नीति है और अगर क्राइम करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले आप सुने कि इस पूरे मामले पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा है। बिहटा में जो घटना घटी है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। जिसने भी कानून के राज को चुनौती दी है उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, 3 एफआईआर हुई है, 44 गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे लोग जो कानून को तोड़ते हैं, प्रशासनिक महकमे पर हमला करते हैं, उनको औकात में ला दिया जाएगा। एक बात हम सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे लोगों का विपक्षी पार्टियों के साथ क्या ताल्लुक है। आने वाले समय में हर कुछ का पटाशेप होगा। तो आपने साफ तौर से सुना, अभिषेक झा ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर 3 एफआईआर हुई है और 44 गिरफ्तारियां भी हुई है। साफ तौर से उनका कहना है कि बिहार में नो क्राइम की नीति है, ऐसे में अगर कोई इस तरीके की चीजें करते हुए पकड़ा गया तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। तो वहीं अभिषेक झा ने साफ तौर से विपक्ष पर भी हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर से ये बात कही है कि ऐसे लोगों की जो है विपक्ष से क्या ताल्लुकात है ये भी हम जानते हैं, ऐसे में अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा गया तो सरकार जो है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।